मैच फिक्सिंग क्या होता है, पहले से मैच चालू होने से पहले तय है कौन जीतेगा कौन हारेगा और बदले में किसको कितना पैसा मिलेगा, ये मैच फिक्सिंग। तो माणिक सरकार का चुनाव होने से पहले ये सीपीएम पार्टी का और एक बहुत बड़ा डॉन है, डॉन एक बहुत बड़ा डॉन है, मंत्री, मंत्री नहीं है वो, पर्दे के पीछे बैठकर सब मंत्रियों को हिलाते रहता है, गौतम दास, गौतम दास। वो बोलता था कि ये बार चुनाव में हम लोग 51 सीट जीतेंगे, पहले से मालूम था कितना जीतने वाले हैं क्योंकि मैच फिक्सिंग था पक्का। यहां के कांग्रेस के नेता तो ईमानदारी से लड़ते थे लेकिन दिल्ली में फिक्सिंग हो गया होता पहले से कौन कितना जीतेगा कौन कितना। और जब मैच फिक्सिंग होता था तब माणिक बाबू बैटिंग करते थे, चौके के ऊपर चौका, छक्के के ऊपर छक्का, क्योंकि सामने बॉलिंग डालने वाला ही एकदम आराम से हलवा बॉल डालता था ना, हलवा बॉल डाल देता, तो माणिक बाबू चौका छक्का। लेकिन केंद्र में कांग्रेस बदल गई और माणिक बाबू अब मैच फिक्सिंग बंद हो गई, अभी विप्लव देव बॉलिंग करेंगे, ऐसा गुगली बॉल डालेंगे माणिक बाबू को पता नहीं चलेगा कहां से आया और पीछे स्टंप कब उड़ाकर लेकर चला गया। और माणिक बाबू का गलती से बॉल को बैट अगर लग गई तो सीमा पर पीछे की तरफ ये महाराष्ट्र का सूबेदार बैठा होगा कैच पकड़ने के लिए, कैच छोड़ने वाला नहीं है इस बार, कैच छोड़ने वाला नहीं है। माणिक बाबू जाने का समय आ गया है।